वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैराडे का प्रयोग देखा था और साथ साथ हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी पढ़े थे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्लियर हैं। फैराडे का द्वितीय नियम जब हमने देखा था तो वहां पर हमने एक सूत्र पढ़ा था, ई बराबर माइनस डी वाई अपॉन डी टी। बोले भैया, लेकिन अगर मान के चलिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखी है और कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो ऐसी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा E बराबर माइनस n डी वाई अपॉन डी टी। वैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं ये। यस और नो, क्लियर है? अच्छा, E बराबर जैसे हमने पढ़ा माइनस डी वाई अपॉन डी टी। अब आप समझना मेरी बात को गौर से, है ना। डी वाई को आप क्या बोलते थे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं सिखा चुका हूं आपको पुराने चैप्टरों में। अगर प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स फाई वन है, आप ऐसे समझो, थोड़ा सा ये फीलिंग लेना है ना, चुंबक को ऐसे ही तो ला रहे थे। अब बताओ जब ऐसे लाओगे तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मान के चलो चुंबक यहां पे है, इस स्थिति में तो थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स इससे गुजर रहा है। मैंने मान लिया अभी जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है वो दो है। अब मैं चुंबक को और पास ले आया तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा? मान के चलो चुंबकीय फ्लक्स हो गया पांच, तो परिवर्तन कितने का हुआ है? परिवर्तन कितने का हुआ? हाँ, तो वो ठीक है, पर मेन परिवर्तन अगर मैं इसकी परिवर्तन की बात करूं तो तीन का परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक मान कितना था? दो। अंतिम मान कितना था? पांच। तो परिवर्तन कैसे निकाला? अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। अगर मैं इसे प्रारंभिक मान वन मान लू, अंतिम मान टू मान लू, तो क्या लिखूंगा इसे? तो ई बराबर माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन, और इस प्रोसेस में होने में जो टाइम लगा उसे मैंने टी लिख दिया। तो ऐसे भी सूत्र बना सकता हूँ। बोले भैया, मैं चाहूं तो E बराबर जैसे माइनस डी फाई अपॉन डी टी है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। बोलो भैया, फाई इज इक्वल टू, तो डी फाई इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ बी डी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से मैं अपनी स्वेच्छा अनुसार, मैं अपनी जरूरत के अनुसार सूत्रों को तोड़ मरोड़ सकता हूँ। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? बोलो भैया, आपको ये समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया? यस और नो, किसी को कोई दिक्कत? तो ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, ये सूत्र आपको समझ में आया कैसे आया, बोले भैया, तो गौर से देखिएगा। अब मैं काफ़ी सारे काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सब लोग। तो जैसे मैंने यहाँ पर बराबर डी फाइव की जगह मैंने क्या लिख दिया? फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है तो, और प्रेरित धाराएं भी पैदा हो रही हैं। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया, कायरे कितने प्रेरित धारा पैदा है रही है, तो प्रेरित धारा कैसे निकालेंगे? तो वो तो आपके आप निकाल सकते हैं उसे, आपने पढ़ा है। आप बताओ मुझे, V, I और R क्या संबंध है? V बराबर I R, तो I बराबर V अपॉन R, तो I बराबर, मैं प्रेरित धारा निकाल रहा हूँ, V बराबर I R, तो I बराबर V अपॉन R अपॉन R। R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। तो ये कुंडली का प्रतिरोध हो गया। ऊपर क्या आएगा? विभव को हम यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं? स्मॉल ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं आई, समझ गए? सीन क्लियर है? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? अच्छा, मैंने बचपन में सुना था ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, और एन फेरों की संख्या हो तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और जी आर भैंसों की भैंसों। तो ये क्या आ गया? प्रेरित धाराओं के सूत्र बन रहे हैं अब। बोले भैया, किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया प्रेरित आवेश कितना होगा? प्रेरित आवेश, आवेश यानी क्यू, चैप्टर वन में पढ़ा था प्रेरित आवेश। किसी ने पूछ लिया तो क्यू बराबर आई टी, बचपन में बताई थी, तो क्यू बराबर आई, समय मैंने लिख दिया डी टी, टी टी का मतलब सूक्ष्म समय। बोले भैया, अब आ जाओ, आई प्रेरित धारा है तो आई बराबर वी अपॉन आर। समझ में ही नहीं आई, जे डी टी पैसों की, अरे जे ही लगा दो, नहीं यही बात समझ। बोले भैया, और आगे बढ़ा रहा हूँ, क्यू बराबर, अब देखो डी टी अपॉन आर तो मैंने पैसों की पैसों लिख दो, ई बराबर मैंने पढ़ाया व्याली माइनस एन डी वाई अपॉन डी टी। बोले भैया, डी टी से डी टी कटेगो तो प्रेरित आवेश कितने का आएगा? माइनस एन डी वाई अपॉन आर।
और चाहो तो डी फाइव की जगह फिर से फाइव टू माइनस फाइव वन लिख सकते हो ऐसे, नहीं है मेरी बात समझ? तो बताओ, पर अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं बहुत सारे काम, क्लियर है? तो ये सूत्र सब कैसे आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग, क्यू कौन है? बोलो प्रेरित आवेश। आई कौन है? प्रेरित धारा। ई कौन है? अब ये सूत्र जो है ना, ये हमसे कुछ कह रहा है, ये हमसे कुछ कह रहा है कि प्रेरित आवेश का मान कुंडली में भेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इसको तुम बोलो काय पर निर्भर कर रहा है? चुंबकीय बल लक्षण परिवर्तन पर निर्भर करता है और कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात? प्रेरित आवेश का मान फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, चुंबकीय बल लक्षण परिवर्तन पर निर्भर करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। समय पर निर्भर करता है क्या? क्यों? क्योंकि आप देखो समय से समय कट गया है, यानी प्रेरित आवेश का मान समय पर निर्भर नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ है ना, कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, जो भी आपको लगे वो बताना। दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय बल लक्षण परिवर्तन पर निर्भर करता है, और दूसरी लाइन बोल रहा हूँ, प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय बल लक्षण परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बोला चुंबकीय बल लक्षण परिवर्तन की दर, अब दर बोल दिया यानी समय का भाग लगा दिया, समय पे ये निर्भर नहीं कर रहा। यानी आपका, आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि प्रेरित आवेश जो है वो चुंबकीय बल लक्षण परिवर्तन पर निर्भर तो करता है, लेकिन चुंबकीय बल लक्षण परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता। जो बोला आपको समझ में आया तो वो नोट पूरा देख लो, द्वितीय नियम के बाद जो नोट में जितने भी पॉइंट है वही सारे हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे को एक वो न्यूमेरिकल दे रहा है, एक सवाल दे रहा है, और उस सवाल में कह रहा है एक कुंडली है, समझना पहले सवाल पूरा ऑन द बोर्ड देखें। वो कह रहा है एक कुंडली है और उस कुंडली में 0.01 सेकंड, क्या पता चल गया, टाइम दे दिया उसने 0.01 सेकंड में, यानी टाइम दे दिया। तो कह रहा है 0.01 सेकंड में कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 12 × 10⁻³ वेबर से 6 × 10⁻³ वेबर हो जाता है। तो पहले तो मुझे बताओ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा हुआ है या घटे रहा हुआ है? घट रहा हुआ है। पहले 12, तो 12 × 10⁻³, अब 6 × 10⁻³ जागो, मतलब चुंबक कुंडली की तरफ जा रही है या कुंडली से दूर जा रही है? दूर जा रही है, तभी तो घट रहा हुआ है। प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स कितने गए? 12, तो इसे क्या नाम दे दूं? फाई वन। अंतिम कितना है? फाई टू। तो कह रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। प्रेरित विद्युत वाहक बल कौन से अक्षर से? ई से। बताओ भैया कौन सा सूत्र लगनहार दिख रहा है? तो फेराडे के द्वितीय नियम से हम जानते हैं ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। बोलो भैया, तो ई बराबर माइनस डी फाई की जगह क्या लिख दूं? फाई टू माइनस फाई वन वटे समय को टी लिख दूं। अब रख दो वैल्यू, फाई टू कितना है? 6 × 10⁻³। फाई वन कितना है? 12 × 10⁻³ वटे समय कितना है? 0.01 लिख दूं, दशमलव से पहले जीरो का तो कोई महत्व होगा नहीं। बोलो भैया आगे बढ़ रहा हूँ, माइनस तो जी आता ही है, 10⁻³ कॉमन आ जाओ, बोलो अंदर का बच जाओ, 6 − 12 डायरेक्ट −6 लिख दूं, बुरी तो नहीं लगेगी, कहीं घूर घूर के देख रहे हैं मुझे। 0.01 बैसो की बैसो, कागुए को परेशानी। बोलो भैया, तो ई बराबर 6 में से 12 गए तो 6 माइनस के प्लस के, −6 का गुणा इस माइनस से होगा तो प्लस के आगे 6 × 10⁻³। बोलो भैया बटे का लिखूं? 0.01 दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 बिंदी बढ़ जाएंगी, 2 बिंदी को 10⁻² लिख दूं, 2 बिंदी बढ़ने का मतलब 100 हो गया और 100 को 10⁻² लिख सकता हूं, तो ई बराबर 3 है गई लाला,
छः आधार समान होते हैं तो कहते हैं माइनस तीन प्लस दो माइनस एक, छः गुणा दस पे घात माइनस, बटे में एक लिखूं तो उत्तर आ गया छः गुणा दस पे घात माइनस एक। आप बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल काय में नापा जाता है? वोल्ट में। तो मात्रा क्या आएगा इसका? वोल्ट। बात समझ में आई? आप चाहे तो आंसर ऐसे लिख दें, ये दस पे घात माइनस एक नीचे आ जाएगी तो छः बटे दस आ जाएगी, भाग दे देंगे दशमलव छः आ जाएगा। बात एक ही है, नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? उतार लो फटाफट। उम्मीद करता हूँ ये सभी का हो गया। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है एक कुंडली है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ ये काय का मान दे दिया? क्षेत्रफल बोल रहा है, इसका मतलब ए का मान दे दिया। बोलो भैया, तो 100, 100 को बुरा नहीं लगे तो टेन टू 10 का वर्ग 100 होता है। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो मैंने जी लगा दिया, मीटर मैंने जी लिख दिया, सेंटी कितना होता है? तो 10 की घात माइनस दो। अब आप ही बता दो, इस पूरे ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, घात पे घात होती है तो आघात हो जाता है, तो घातों का गुणा हो जाएगा, माइनस दो का गुणा दो से करूंगा तो 10 पे घात माइनस चार। बोलो भैया, तो ये हो जाएगा 10 पे घात माइनस चार मीटर स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? तो मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। समझ में आई ना बात कैसे हुआ? तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर बताओ? 10 की घात माइनस चार मीटर स्क्वायर। आपको ये स्टेप समझ में आई सभी को भैया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ूँ? अब आप बताओ आधार समान होते हैं तो कहते हैं, तो माइनस चार प्लस दो कितना हो गया? माइनस दो मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो वो कह रहा है एक कुंडली है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इतना है और उस कुंडली में 50 फेरे हैं। काय का मान दे दिया? एन का मान दे दिया। एन कितना दे दिया? 50। अब वो आगे बोल रहा है इस कुंडली को, कुंडली है, उस कुंडली को मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है 2×10^-2 टेस्ला। बताओ काय का मान दिया? पी का मान दे दिया। तो कह रहा है इस कुंडली को मैंने 2×10^-2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। कैसे रखा है? लंबवत। लंबवत को इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर चिन्ह, समझते हो, है ना, लंबवत रखा है। और कह रहा है जब इस कुंडली को 1/10 सेकंड में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाता है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाता है, बाहर निकालोगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, तो कह रहा है 1/10 सेकंड का टाइम दे रहा है। क्या दे दिया? टी दे दिया। तो कह रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करूं, क्या निकालना है? प्रश्न समझ गए पूरा? बोलो। चित्र के माफिक थोड़ा सा समझाता हूं, कोशिश करना, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने दे दी आपको, ये 2×10^-2 टेस्ला, क्लियर। अब वो कह रहा है, मान के चलो मैंने जेई कुंडली मान ली, जेई मैंने कुंडली मान ली, ठीक है, क्लियर है। और ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है, लंबवत बोल रहा है ना। अब वो कह रहा है ये रखिए, तो मैंने 1/10 सेकंड में ऐसे कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लिया, है ना, बाहर निकाल लिया तो जाहिर सी बात है बाहर निकालूंगा तो चुंबकीय लगता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो वो कह रहा है कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कुंडली की खास बात दे रहा है क्षेत्रफल इतना है और फेरों की संख्या इतनी है। कहानी समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? बताओ भैया क्या सूत्र है आपके पास? हाँ, तो ई बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र हमें क्या मालूम है? ई बराबर, हमेशा बेसिक चीजों पे आ जाया करो भैया, ऐसे खींचेंगे चुंबकीय लक्षण परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, तो फैराडे ने बताओ तो क्या सूत्र है प्रेरित विद्युत वाहक बल को? माइनस टी बाई अपॉन डी टी, खत्म कहानी, दैट्स ऑल। समझ गए? माइनस डी वाई क्या है? चुंबकीय लक्षण परिवर्तन। अब मुझे दिख रहा है जहां एन दे रहा है, बी दे रहा है, ए दे रहा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा? फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। तो फाई की जगह मैंने क्या लिख दिया? एन बी ए कॉस। अच्छा थीटा कितने दे रहा हूं? ओ हेलो, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा दिया है। थीटा कौन? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कौन होता था? अब लंबवत धरी है, कोई भी कुंडली लंबवत धरी है तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश नहीं तो होगा, तो कितना कौन हो गया? जीरो। हाँ, लंबवत देख के 90 मत टांग में करावाए, बटे समय को टी लिख दू, अब क्या चमका दो। तो ई बराबर माइनस एन कितना है?
अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पर यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? मैं यहाँ हल्का सा एक मिनट रुको, ध्यान देना सब लोग, ठीक है? थोड़ा सा दोबारा करते हैं इसको, हल्की सी सिचुएशन चेंज करेंगे यहाँ, ठीक है? थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं, ठीक है? करने को तो ऐसे भी कर देंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। डीफाई क्या है? चुंबकीय प्लग से परिवर्तन। यहाँ तक समझ में आया? माइनस माइनस डीटी समय है, तो समय को टाइम टी 1/10 सेकंड है, तो टी लिख दूं, ठीक है? डीफाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन। परिवर्तन कैसे लिखते थे? अगर प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स फाइव है, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स फाइव टू है, तो कैसे लिखते थे? फाइव टू माइनस, समझना मेरी बात को, फाइव टू। अच्छा समझ गए, अब बताना, ध्यान देना सब लोग। माइनस टी मैंने पैसों की पैसों दत्ता हूं, समय समझाने की बात कर रहा हूं। पहले कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी थी तो उससे कुछ ना कुछ चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा था, जैसे ही यानी प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लिया, अब चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया? शून्य। कौन सा वाला, फाइव वन या फाइव टू? फाइव टू जीरो हो गया, तो जीरो क्यों रखा समझ में आई बात? माइनस फाइव वन, फाइव की जगह, समझ में नहीं आई? बोले भैया सीन क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, अब जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का बचा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया हमारा? एन बी ए कॉस थीटा अपॉन टी, वही कहानी बन गई पूरी सेम। अब दर दो वैल्यू, ई बराबर, बोलो भैया एन कितना है? कहाँ है ये रहा, 50। बी कितना है? 2×10^5 -2 इंटू, ए कितना है? 10^5 -2 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना रखूं? क्यों रखूं जीरो, समझ में आता है? वटे, समय कितना है? 1/10, तो 1/10 का पहुंच जाएंगे, लगे हाथ पहुंचा दो, ठीक है? 10^5 कुछ नहीं है तो एक आ जाओ भैया, निपटा दो। देखो भैया 50 × 100 को 10^2 लिख दूं, 10^2 तेजे 10^5 -2 सोल्ट गए, बोलो भैया अब जे बचे 10^2 -2 और 10^1 एक, 10^2 -1 cos 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 का गुणा इससे करूंगा तो यही आ जाएगा, बटे में एक लिखूं वह तो लिख दे, तो ये प्रेरित विद्युत भाग वाला आ गया 10^5 -1 वोल्ट, और आगे बढ़ाना है 10^5 -1 को नीचे लाऊंगा 10^5 एक, बोलो भैया 1/10 कितना हो गया? 0.1 वोल्ट, नहीं यही बात समझ में, समझ में आई बात आपको? सीन क्लियर है? उतार लो फटाफट इसे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद।